राजस्थान में पेपर लीक प्रकरण को लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है, पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी इस मामले को जोर शोर से उठा रही है। भीलवाड़ा जिले के भाजपा विधायक गोपी चंद मीणा ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और राजस्थान बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर पर पेपर लीक मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पेपर लीक सरगना सुरेश ढाका के साथ इनके संबंध है। विधायक गोपी चंद मीणा ने जहाजपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार के 4.5 साल के शासनकाल में बेरोजगारों के साथ धोखा किया गया है। विभिन्न भर्तियों में पेपर लीक हुए, जिनमें पुलिस, फॉरेस्ट और रीट भर्तियों में इन्होंने पेपर लीक किए हैं। धीरज गुर्जर की ओर इशारा करते हुए विधायक गोपी चंद मीणा ने बताया कि जहाजपुर के नेता भ्रष्ट हैं। उसका उदयपुर में जो बस पकड़ी गई उसमें नाम उजागर हुआ है। यही नहीं, भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा में कि हमारे राजस्थान कांग्रेस सरकार के समय 4.5 साल के समय में बेरोजगारों के साथ धोखा किया। पेपर लीक हुए, विभिन्न भर्तियों में रीट पेपर में पुलिस फॉरेस्ट विभिन्न भर्तियों में इन्होंने पेपर लीक किए। और तो और यहाँ जहाजपुर के जो भ्रष्ट नेता है उसका नाम उदयपुर में जो बस पकड़ी गई पेपर सेकंड पेपर लीक हुआ उसमें इसका नाम उजागर हुआ। तो मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इसके तार सुरेश ढाका के और धीरज गुर्जर के तार पेपर लीक में भी शामिल है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, गहराई तक जानी चाहिए। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, सुरेश ढाका और धीरज गुर्जर के तार पेपर लीक में शामिल है, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। विधायक गोपी चंद मीणा ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में 13 जून को हम राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदेश में महारैली करेंगे। उसमें हम इस सरकार को चेतावनी देंगे और साल 2023 और 2024 में प्रधानमंत्री जी को मजबूत करेंगे। जहाजपुर विधायक गोपी चंद मीणा ने भीलवाड़ा जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों पर भी संगीन आरोप लगाए। उन्होंने भीलवाड़ा जिला कलेक्टर को तो कांग्रेस का एजेंट तक बता दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।